हैं मनोज चाचा के वो कर लेते हैं कई कई तैसी बता दी हमारी डोकर की सारी है ये मैंने की बता दी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, भगवान श्री राम जब वन को तैयार हुए तो सीता जी तैयार हुई। भगवान राम ने मने किया था, मने किया कि जंगल में संकट आएंगे तुम मन चलो। तो ध्यान रखना सभी माता बहन बेटी, कहीं क्या सीता मैया ने गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे रामायण में कैसे, जिया बिन देह नदी बिनो पारी, जिया बिन देह नदी बिनो पारी, ऐसी अनाथ पुरुष बिनो बिन जग माही और मोकू सुखद कतई कछ, ये कहा सीता ने। तो लक्ष्मण भी तैयार हो गए। लक्ष्मण की मां ने कह दिया था बेटा लक्ष्मण तुम्हारे ही हेत राम बन जाए। तो लक्ष्मण तैयार हुए, सुमंत जी ने रथ तैयार किया तो महाराज दशरथ ने कह दिया था गए बेटा राम को 14 दिन जंगल में घुमा के लौटा लियो, ये कहा। तो जिस समय राम की तैयारी हुई और अयोध्या में खबर फैली अगर राम बनकू जा रहे, पूरे नगर वासियों ने ढिंढोरा पीट दिया कि जहां राम रहेंगे तहीं हम रहेंगे। झोला लोई पिछोरा पैरवे के ओढ़वे के सब अपे पे झोलन में भर ले गए, जहां राम रहेंगे तहीं हम रहेंगे। अब राम ने विचार करो कि 14 साल को वक्त हो जो सभी प्रजा संग डोले राम तो खाए कहां थे आवे। अब काउत कहेंगे भैया तुम लौट जाओ वनवास मेले भवे, कोई मान बताइया कोई नहीं माना। और जब चले निकल के तो सब प्रजा संग ही चल रही, जब चली और रथ में तैयार खड़े थे चढ़ने के लिए तो सबसे पहले लक्ष्मण आए अपनी महतारी के चरण छू। ध्यान रखें सभी नौजवान बच्चे एक बात आज गांठ बांध के जाना, क्या घर से अगर कहीं बाहर जाना हो तुम्हें चाहे भले ही अलीगढ़ तक जाना हो तो घर से मां के चरण छू के जाना, देखना दिन कैसा व्यतीत होता है। पर कछु तो आज की औलाद कह देते कि हमारी डुकरिया मत बोलती है ना, अच्छा चलो मान ले ना बोलते तो प्रैक्टिकल करके देख लो कर ले, बे देखियो बे अजमियो जिनकी मेहताई तो बोलचाल बंद हो तो जाकर के मां के पैर छूना तुम। और डोकरी नाराज, तो जैसी लला ने पांच छुए तो डोकरी ने मुंह फेर लो दूसरे लंगर सके वहां और पैरन पे हाथ गो तब देखियो डोकरी के मोमा का तमाकू सिखा रही है। तो का कह दी माले में एक लंगू मुंह करके भगवान हम यो बनो रहे, ऐसा देवता पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकता जो नाराजी में देवता आशीर्वाद दे दे माँ के चरण छू के जाना। तो आज पैर छुए लक्ष्मण ने, मैया मैं 14 वर्ष वनवास आ रहा हूं आशीर्वाद की जरूरत है। तो देखो सुमित्रा ने कही क्या है, बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का समय और अगर मेरी तरफ देख करके तू पूछ रहा है तो सीता जैसी भौजाई संग में और 14 वर्ष की अवधि है। बेटा लक्ष्मण अगर काउदन सपने में हूं और तेरी दृष्टि सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण ने की मैया दोबारा फिर कहना कि बेटा लक्ष्मण अगर सपने में हूं तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण ने की मैया अब तुमने कह ली अब मेरी सुनो, सपना होता कब है, सपना तब होता है जब नींद आती है। तो मैया जगते में तो खन नजर गलत ही क्या होगी,
मैं आज तेरे चरणों की सौगंध खा करके जा रहा हूं कि मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं जो सपना हो रहा है। इसे कहते हैं लक्ष्मण जति, इसे कहते हैं लक्ष्मण जति। अब आए राम तो राम ने अपनी महतारी कौशल्या के पैर छू, मैया 14 साल वनवास से आ रहा हूं, इतना मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कर्म पर सफलता हासिल करके अयोध्या में लौटू। तो ध्यान रखना कौशल्या हुक्म क्या दे रही है अपने बेटा राम को, ऐसा हुक्म न तो आज कोई महतारी देगी, और कोई महतारी देऊ दे तो कहो बेटा में दम नहीं है, सो पाल के लौटे। कहा क्या कौशल्या ने, बेटा राम सुनो कैसे। अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कुरे, तो 14 वर्ष बाद अगर अयोध्या में लौटो तो 3 के 3 ही आना। विचार करना कितना बड़ा व्रत था। अगर आज काउ को लड़का मिलिट्री में भर्ती है जावे और तुम बहुआ संग कर दियो, 14 साल बाद अगर लौटे तो कम से कम 8 तो आएंगे। पर धन्य राम जैसे अवतार को तो राम ने कही क्या महतारी से, मैया तू वचन दो को गए तमसा नदी के किनारे पर, पहला पड़ाव लगाया, सोता बंधु सब प्रजा से कह दिया कि तुम सो जाओ। जब सब ने विश्राम किया रात में भगवान राम ने घोड़ा चढ़वा दिया रथ कि ये सब प्रजा संग जावे, 14 साल को समय राक्षसों का भी सामना करूंगा तो ये सब प्रजा कहां डोले। पहला धोखा कर दिया भगवान ने भक्तों के साथ में, क्या सब भक्त विश्वास में सोते रह गए। भगवान राम रात में चले, रात में चले गए श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। ध्यान रखना गुहराज से भेंट हुई, गुहराज से भेंट हुई। भगवान राम ने गुहराज को लेकर के जब केवट से नाव मांगी थी, नाव मांगी है, ध्यान रखना ये रामचरितमानस की कथा है। जितना भी आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, जितना सुनेंगे उतना ही बढ़िया लगेगा। अच्छा 500 रुपया भंडारे के, 50 रुपया हमारे लिए चाची की तरफ से है।